बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। मुल्क कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले धरती के अजीम सपूतों को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी में खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। पतंगबाजी खूनी खेल, पतंगबाजी की रोकथाम के लिए मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी शील्ड्स लगाने का सिलसिला जारी। सीटी लाहौर ने भी सेफ्टी वायर लगाए। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 81,493 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 6,456 एमरजेंसी कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 57,672 कॉल्स गैर ज़रूरी करार दी गईं। गुज़िश्त 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 4,502 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,157 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। बूटी हेल्पिंग मवाद या नकल करते पकड़े गए तो पर्चा कैंसिल और मेमो कटेगी। वज़ीर आला के हुक्म पर इम्तिहानी मराकज पर नकल की रोकथाम के लिए पुलिस का इम्तिहानी मराकज के दौरे, सिक्योरिटी चेक की। मुल्क कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले धरती के अजीम सपूतों को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी में खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। ज़िला चकवाल पुलिस की आज के दिन शहादत पाने वाले अजीम शहदा की कबूर पर सलामी और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहदा पुलिस हमारा फ़ख्र हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज बनाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम जारी है। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में खूनी धाती डोर से इंसानी जानों को लाहक खतरात के पेश नज़र सूबे भर में पुलिस अफसरान मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी वायर या प्रोटेक्शन शील्ड के इस्तेमाल के बारे आगाही फ्राहम कर रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। लाहौर में CTO अमारा अथहर ने भी शहरियों को सेफ्टी वायर लगाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर पंजाब भर में होने वाले बोर्ड के इम्तिहानात में पुलिस अफसरान की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। इस दौरान इम्तिहानी मराकज़ की सिक्योरिटी और पेपरों के अमल में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया गया। तमाम अफसरान ने तलबा और तालिबात को ईमानदारी, मेहनत और लगन से पेपर हल करने की तलकीन की और नकल के अमल को कभी करार दिया। नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल और रोशन चेहरा हैं, जिन्हें महज़ब और काबिल बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। महकमा मौसमियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक आज लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 122 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 150, पंजाब यूनिवर्सिटी 130 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 140 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोग से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की तलाब 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।